तो देखो भाई लोग, पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे महिंद्रा XUV 200 के बारे में। हालांकि यूट्यूब के ऊपर रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वीडियो पब्लिश हो चुके हैं जहां पर बताया जा रहा है कि महिंद्रा कंपनी बहुत जल्दी एक SUV कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है जिसकी कीमत 4 या फिर 5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। हालांकि ये महिंद्रा की अपकमिंग माइक्रो SUV कार होने वाली है, ये चीजें बताई जा रही है बहुत सारे वीडियोस के अंदर। लेकिन पूरा मामला क्या है, क्या सच में महिंद्रा की तरफ से इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा? अगर लॉन्च भी किया जाता है तो इसको कब लॉन्च किया जाना है? इस कार की कीमत कितनी रहेगी? ये कार इंडिया में लॉन्च होने के बाद किस कार के साथ कम्पीट करेगी, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं महिंद्रा की उन कारों के बारे में जिनको अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। जो पहली कार आती है वो है थार का 5-डोर वाला मॉडल। हालांकि इस कार की फिलहाल के लिए टेस्टिंग चल रही है और आपने भी थार के 5-डोर वाले मॉडल के स्पाइड इमेजेस या फिर वीडियोस ऑनलाइन देखे ही होंगे। थार के 5-डोर वाले मॉडल के एक्सटीरियर में नॉर्मल से चेंजेस किए जा सकते हैं। फ्रंट फीशा को थोड़ा सा अलग लुक दिया जा सकता है, इसके अलावा रियर का फीशा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा थार के 5-डोर वाले मॉडल के अंदर, वो रहेगा डायमेंशंस के अंदर। यानी इसकी लेंथ बढ़ाई जाएगी, विड्थ आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी और शायद हाइट को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा व्हील बेस आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाएगा। यानी अगर मैं क्लियरली बात करूं तो यहां पर थार का जो 5-डोर वाला मॉडल रहेगा उसके डायमेंशंस बड़े रहेंगे एज कंपेयर टू करंट थार जो कि इंडियन मार्केट में बिक रही है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा और वो शायद 7-सीटर सेगमेंट के अंदर भी आ सकती है। तो ये चीजें बहुत सारी रिपोर्ट में मेंशन करी गई है। शायद इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी बदलाव रहेंगे वो एक्सटीरियर में बदलाव किए जाएंगे, कॉस्मेटिक चेंजेस करे जाएंगे, इंटीरियर में कुछ एडिशनली फीचर्स ऑफर कर सकती है महिंद्रा कंपनी और सबसे बड़ा डिफरेंस आपको डायमेंशंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें थी थार के 5-डोर वाले मॉडल के बारे में। अगर इसके लॉन्चिंग की बात करो तो अगले 1-2 महीनों के अंदर इसको इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 11 या फिर 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको महिंद्रा की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया जाना है वो है बोलेरो नियो प्लस। लेकिन आज के डेट में महिंद्रा कंपनी बोलेरो नाम की एक अलग कार बेच रही है। बोलेरो नियो नाम की एक अलग कार इंडियन मार्केट में बिक रही है और बोलेरो नियो प्लस इस नाम की एक कार बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। हालांकि जो बोलेरो नियो प्लस ये कार रहेगी इसके डायमेंशंस चेंज किए जाएंगे, ये थोड़ी सी बड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू बोलेरो नियो। इसके इंटीरियर में काफी ज्यादा बदलाव किए जाएंगे और एक्सटीरियर लुक में भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि बोलेरो नियो प्लस के अंदर आपको पावरफुल इंजन स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि इस कार की कीमत आपको बोलेरो के मुकाबले और बोलेरो नियो के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसको भी अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। हालांकि इसके लॉन्चिंग के बारे में अभी तक कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस कार से पहले महिंद्रा कंपनी थार का 5-डोर वाला मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसके अलावा इस साल के एंड तक महिंद्रा कंपनी 1 या फिर 2 इलेक्ट्रिक कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है और रिसेंटली महिंद्रा ने XUV 400 को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। अब बात करते हैं XUV 200 के बारे में। हालांकि जितने भी वीडियोज आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे वो शायद मतलब वो रियल नहीं है। महिंद्रा की तरफ से इस कार के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर नहीं आई है और महिंद्रा ने इसके टीजर वीडियो भी रिलीज नहीं करे है। यानी जो कंफर्मेशन होता है कार कंपनी की तरफ से वो अभी फिलहाल के लिए नहीं है XUV 200 के बारे में। तो यहाँ पर शायद इस साल या फिर अगले साल महिंद्रा कंपनी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी। और अगर महिंद्रा की तरफ से XUV 200 नाम की कोई कार इंडियन मार्केट में लॉन्च भी होती है तो वो कार कम्पीट करेगी टाटा पंच के साथ, इसके अलावा इग्निस के साथ इस कार का मुकाबला हो सकता है। और कुछ वीडियोस में आपने तो प्राइस भी देखे होंगे लगभग 4 लाख 5 लाख, तो मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में महिंद्रा कंपनी ऐसी कोई कार इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और महिंद्रा की तरफ से ऑफिशियली कोई भी न्यूज नहीं है XUV 200 के बारे में। इस चीज के बारे में आपको क्या लगता है यार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, आने वाले समय में महिंद्रा कंपनी थार का 5-डोर वाला मॉडल इंडिया में लॉन्च करेगी, उसके बाद बोलेरो नियो प्लस को लॉन्च किया जाएगा और इस साल के एंड तक 2 या फिर 3 इलेक्ट्रिक कारों को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है महिंद्रा की तरफ से। तो ये छोटा सा अपडेट वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ।